हाय, आई एम सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, शिवपुरी। नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक थ्योरम कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। कोई फलन यदि अवकलनीय है तो 101% वो कंटिन्यूस भी होगा, पर इसका कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इसका जो कन्वर्स है वो सत्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये कन्फर्म नहीं है, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। पर यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय है, यानी उस फंक्शन का डिफरेंशियल संभव है, तो 101% वो कंटिन्यूस होगा। इसको हमें प्रूव करना है। माना फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यदि इस फंक्शन की, मतलब इसकी जो लिमिट है h टेंड्स टू जीरो पर, वो अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एट एक्स इक्वल ए पर कितना होगा एफ डैश ए इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसकी वैल्यू यदि हमें जो मालूम है कि इस फंक्शन की वैल्यू इतनी है, जे एग्जिस्ट है, मतलब एक्स इक्वल ए पर इसका अस्तित्व है, तो इसका अस्तित्व है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसका अस्तित्व है, मतलब ये हमें पता है, हमें दे रखा है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। यानी कोई फलन x इक्वल ए पर अवकलनीय है, मतलब इसकी लिमिट f डैश a है। तो अब हमें प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस होगा। तो यदि जो फलन एफ एक्स है वो x इक्वल ए पर सतत है, तब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स और एफ ए दोनों इक्वल होना चाहिए। क्यों कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पर जो लिमिट है वो दोनों यदि इक्वल हो जाती हैं फंक्शन की, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमें इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेकर चलते हैं। ये जो वैल्यू है इसका अस्तित्व है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो एफ डैश ए इक्वल इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, जे आपकी कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ एफ एक्स माइनस एफ ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए का डिवाइड किया और एक्स माइनस ए का हमने मल्टीप्लाई किया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसकी एक्स टेंड्स टू ए पर लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसकी लिमिट को हम सेपरेट कर दें, तो इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
x माइनस ए। इस वाले में हम मान लें लेट x माइनस ए इक्वल h, तो इफ x टेंस टू a, देखो x a की साइड में जा रहा है, देन h टेंस टू आपको कितना हो जाएगा जीरो, कहें x की जगह x जैसे जैसे a की साइड में जाएगा तो a से a यदि कैंसिल कर दें तो h आपका जीरो की साइड में जाएगा, क्योंकि यदि x a पर पहुंच गया तो a से a कैंसिल होकर h जीरो पर चला जाएगा। तो जैसे जैसे x a की साइड में जाएगा वैसे वैसे h आपका जीरो की साइड में जाएगा। इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस ए इधर जाके a हो जाएगा a प्लस एच। इसको यहाँ पर हम लिखें तो लिमिट इट x टेंस टू a आपका h टेंस टू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, जब इसकी जगह पर j पुट कर देंगे तो f f x की जगह पर क्या आ जाएगा a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए को क्या माना h इंटू ए, आपका ऐसे ही रहेगा लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस ए। अब देखें ए चीज और ए चीज जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इन दोनों में देखें लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, माइनस एफ ए अपॉन एच, यानी इस की जगह पर हम एफ डैश ए लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर क्या वैल्यू आ सकती है एफ डैश ए, तो इस पूरे की इसकी वैल्यू हम एफ डैश ए फ्रॉम फर्स्ट से लिख दें, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल इसके स्थान पर आएगा एफ डैश ए इंटू, यहाँ पर x की जगह पर a लिखेंगे तो आपका a माइनस ए यानी जीरो हो जाएगा, इसकी लिमिट आपकी जीरो हो जाएगी, तो जो जाएगा एफ डैश ए इंटू जीरो इक्वल जीरो, यानी लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल जीरो, इन दोनों में अलग अलग यदि लिमिट करें तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए इक्वल जीरो, इसकी ये तो x a की साइड में जा रहा है तो इसमें तो x a नहीं, x है नहीं, तो एफ ए ऐसा ही रहेगा एफ ऑफ a माइनस इधर आके ट्रांसफर होके वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल एफ ए। यही हमको प्रूव करना था कि फंक्शन की x टेंस टू a पर लिमिट और फंक्शन की x इक्वल a पर वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो अतः फलन एफ एक्स x बराबर a पर कैसा है सतत, सतत या संतत है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि यदि कोई फंक्शन कोई पॉइंट है a यानी x इक्वल a उस पर डिफ्रेंशिएबल है तो 101% उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा।